चले ठीक हो आपने मुझे बुलाया ठीक है गुड मॉर्निंग लगता नहीं बादलों से खेल के गोले दे रहे चेतावनी तो कहीं काली परत में खो गया है गगन तारीखें अब लिख रही हैं रोज नई कहानियां रो रहा है यूं हिमालय आंसुओं की डूबी नदियां अभी पर्सनालिटीज अदर सिविल डिग्निटरीज टीचर्स एंड ऑल द पार्टिसिपेंट प्रेजेंट हियर टुडे इज 5th जून अब इंसान है सुप्रभात आप सभी को मेरा सादर नमस्कार मेरा नाम विदुषी बख्शी है मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ और मैं आज आप सबके समक्ष एक भाषण प्रस्तुत करने वाली हूँ जिसका विषय है पर्यावरण दिवस आज हम अपने स्वार्थ में निरंतर पेड़ों की कटाई कर रहे हैं जिससे न सिर्फ हमारा जीवन परिभावित हो रहा है बल्कि कई पशु पक्षियों का जीवन भी खतरे में पड़ रहा है हम बड़े बड़े आलीशान मकान तो बना लेते हैं पर आने वाली पीढ़ियों को समस्या की सौगात भी तो दे रहे हैं प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है इस दिन लोगों को ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता प्रदूषण जैसी समस्याओं से अवगत करवाया जाता है जब जब मानव ने प्रकृति से खिलवाड़ किया है जब जब मानव ने प्रकृति से खिलवाड़ किया है तब तब प्रकृति ने अपना नया रूप दिखाया That nature is. Every day when we wake up, we see how nature play a vital role in our life. From the wood that we use to make our bed to the water that we drink, all belongs to the nature. We always say that we need to respect, we need to protect nature. Yet in our practical life, we hardly ever do so. How often do we protect a tree or protect one from being cut?